Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And here I am with another new vlog. मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है आज ब्रेड ऑमलेट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था और हैवी भी था, ठीक है. और ये बहुत ईजी सा है, तो आप साथ साथ इसको देख लें. मैंने दो अंडे लिए थे, उसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया और लाल मिर्चें ऐड की तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर. और फिर मैंने इसमें टोमेटो ऐड कर लिया, हाफ टोमेटो चॉप करके ऐड किया है. दो हरी मिर्चें ऐड की हैं और एक अनियन मैंने चॉप किया था, जिसमें से हाफ अनियन मैंने इसमें ऐड कर लिया. और इसको फिर मैंने अच्छा सा विस्क कर लिया, जिस तरह से आप एक नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से. अच्छा, थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ी हुई थी रात की, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने अंडा डाल दिया इसमें ऑमलेट, और उसको फिर मैंने अच्छे से पूरे पैन में स्प्रेड कर लेना है. स्प्रेड क्यों करना है, ताकि ये इवन आउट हो जाए और जब मैं इस पर ब्रेड स्लाइसेस लगाऊं तो वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए, ठीक है. आप अगर देख रहे हैं तो मैंने फ्लेम बहुत स्लो रखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे जलाना नहीं है. अच्छे से ये कुक भी होना चाहिए. और ऊपर की साइड पे जो है, यानी जहाँ पर आप अभी आपको अंडा कच्चा नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ हम इस पर ब्रेड स्लाइसेस को रख देंगे. तो मेरे जो स्लाइसेस थे वो बड़े थे, तो 1.5 ब्रेड स्लाइसेस में पूरे आए थे. ये देखिए, मैंने पूरा रखने की कोशिश की लेकिन पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कट करके और उसको इसके साथ ऐड किया है. बहरहाल ये इस तरह से ऐड हो गया. इसको मैंने थोड़ा सा फिंगर की मदद से प्रेस कर लिया ताकि ये स्टिक हो जाए, और फिर मैंने इसको जो है पकने दिया ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए. क्योंकि नीचे से अगर कुक नहीं होगा, कच्चा होगा, तो जब आप इसको पलटेंगे ना तो ये टूट जाएगा. बहुत ही जेंटली सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने इसको टर्न करना है, ठीक है. और ये देखिए, ऊपर से भी अच्छा सा हो गया. अब टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़ स्लाइस. जल्दी से आपने डाल लेने हैं ताकि वो स्टिक हो जाएं, ठीक है, मेल्ट होके. और ऊपर आप जो अनियन और चिकन चंक्स डाल रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप. रात का कीमा पड़ा हुआ हो वो डाल सकते हैं, किसी सालन की कोई बोटी बची हुई हो उसको श्रेड करके चिकन चीज़ स्लाइस के ऊपर रख दें. तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है. और इस तरह से करके देखें, मैं एक स्लाइस को दूसरे स्लाइस के ऊपर पलट दूंगी और फिर ब्रेड स्लाइसेस समझें दोनों तरफ से ऊपर आ जाएंगे. तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसको बनाने में भी. और मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलके इसको ख़त्म किया था, बिकॉज इट वाज लाइक डैम हैवी, बहुत हैवी था ये और बहुत यमी था. और बस ये कि आप चाहें तो ब्रेड को थोड़ा सा टोस्टी सा कर लें. हमने काफ़ी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ टोस्टेड ब्रेड्स पसंद करते हैं, तो हमने इसको अच्छे से टोस्ट किया था. और आप यहाँ पे देखेंगे कितना यमी लग रहा है, और जितना ये यमी लग रहा है उससे ज़्यादा यमी ये खाने में था. आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करिएगा. एक तो ये इजी है, फन रेसिपी है, दूसरा ये कि मोस्ट सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट है, ठीक है. अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपके हस्बैंड बहुत सारी पुदीना और धनिया ले आए तो आप उसको किस तरह से रखेंगे. पुदीना और धनिया जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं. इनके लीव्स ब्लैक और येलो होना शुरू हो जाते हैं. पुदीना ब्लैक होना शुरू हो जाता है, धनिया येलो होना शुरू हो जाता है और फिर ब्लैक हो जाता है. तो मैं क्या करती हूँ कि इसके जो एक्स्ट्रा स्टॉक्स होते हैं, यानी उनकी डंडियाँ काट के और फिर इनके पत्ते तोड़ के, इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ. वॉश करके किचन क्लॉथ पे फैलाकर इनको मैंने ड्राई कर लिया, ठीक है. अब आपके पास कोई किचन क्लॉथ्स हो या मुस्लिन क्लॉथ्स हो, साफ़ सुथरे, ठीक है, बिल्कुल, और पतले हों, तो आप उनको लेकर फैला लें और फिर उन पर आप वाटर स्प्रे करें, ठीक है, ताकि कपड़ा जो है ना वो अच्छा सा उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए. उसके बाद आप पुदीना, जिस तरह मैं रख रही हूँ यहाँ पर, मैंने रख लिया है और फिर मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी.
इसी तरह मैंने धनिया को भी करना है। और यकीन माने ये जो ट्रिक है ना, ये हैक मेरी फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था, बल्कि घर पर आई हुई थी, मुझे कर कर दिखाया और शी वाज सेइंग के ये तुम देखना एक हफ्ते तक तुम्हारी जो पुदीना और धनिया है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। बिल्कुल, मैं पहले एलुमिनियम फॉइल यूज़ करती थी सेम प्रोसीजर करके, कपड़े के बजाय एलुमिनियम फॉइल में इनको लपेट के रखती थी, तो उस तरह भी ये रहते हैं एक हफ्ते तक, सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते। लेकिन कंपैरेटिवली ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये अफोर्डेबल है, ठीक है, एलुमिनियम फॉइल बहुत महंगी पड़ती है, एक तो ये अफोर्डेबल है, कपड़ा आप दोबारा अच्छे से धोकर और रीयूज़ कर सकते हो, एलुमिनियम फॉइल आप रीयूज़ नहीं कर सकते, फिर आपने फेंकना पड़ता है। और मुझे ये लग रहा था कि इसमें लीव्स जो हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से फ्रेश रहते हैं। ठीक है, आप इनको निकालें, यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कपड़े में मॉइस्चर ख़त्म हो गया, हल्का सा मॉइस्चर यानी थोड़ा सा पानी स्प्रे करके और फिर फोल्ड करके फिर इसको रख दें। ठीक है, मैंने ये दोनों बना लिए रोल, और इनको आप चाहें तो आपके पास जो भी अच्छी साफ़ सुथरी थैली हो आप उसमें रख दें। मैं ज़िपलॉक बैग है मेरे पास, मैं उसमें इनको रख कर और फ्रिज में रख दूँगी। तो दिस इज़ द ट्रिक हाउ नाउअडेज आई एम लाइक सेविंग माय धनिया पुदीना। और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी इस तरह से करके रख सकते हैं और ये हफ्ता चलेगी, ख़राब नहीं होगी, तो इट्स अ नाइस ट्रिक। ओके, जैसे आपको पता है आजकल हर जगह वायरल डिजीज़ेस, करोना एंड ये सब हो रहा है, और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो ऑर्डर किए हैं अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जब तक नहीं आते तो आप डिटॉल से डिसइंफेक्ट करो घर को। तो मैंने स्प्रे बॉटल ले ली, उसमें पानी और डिटॉल डाल के, और मैं अपनी स्लैब्स को और हैंडल्स को और फ्लोर को, सारी वो जगह हैं जहाँ पर बच्चे टच करते हैं या बाहर से कोई आता है बैठता है, चेयर्स हो गए, बच्चों के टॉयज़ हो गए, तो इन सब जगहों को मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे कर और साफ़ किया है। तो हम तो देखें जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ट्रिक थी कि आप इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसी दिन मैंने एक वीडियो भी शूट की, दिस इज़ स्पेशली फॉर द रमादान, और क्योंकि उसी दिन का व्लॉग था तो मैंने इसमें भी ये डाली। आपने इसका मतलब है नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है। और ये बहुत ज़बरदस्त समोसे हैं, रेगुलर समोसे नहीं है ये, दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट समोसास। तो आपको ये देखने के लिए कि मैंने कौन से समोसे बनाए थे आपको लाजमी मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है। ओके देन, और इसके साथ एक मैंने डिप भी बनाई थी, तो बहुत मज़े के थे ये समोसे भी, और इसकी जो डिप थी वो भी बहुत मज़े की थी। बहरहाल आज का व्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ, और एंड बेसिकली जो है ना मिशी करेंगी व्लॉग। मिशी जो है क्या खा रही है? मिशी मैं खा रही पैटी और बिस्किट, स्पैगेटी और चिकन रोटी। फिनिश खा रही हूं। फिनिश करोगी? पूरा फिनिश करो जल्दी से। मेरी बेबी स्पैगेटी खा ली है और साथ साथ कार्टून सीख रही है। बाय बाय कर दो। बाय बाय, क्या ही देख ली हूं। बाय बाय, लाइक शेयर एंड subscribe. Bye bye.